नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर टॉक के इस एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनको हम जवाब देते हैं। कई सारे किसान भाई हमें मिनी ट्रैक्टर्स के बारे में सवाल पूछते हैं कि वो कौन सी फसल में यूज़ करने चाहिए, उनसे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कुबोटा ट्रैक्टर्स के एक्सपर्ट अमित सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हमारे किसान भाइयों को जानने में ये उत्सुकता है कि ये जो मिनी ट्रैक्टर्स हैं ये आखिर कौन कौन से फसल में यूज़ किए जा सकते हैं और इससे हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अगर हम मिनी ट्रैक्टर्स की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली हम जो ट्रैक्टर्स बनाते हैं वो कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं। और मिनी ट्रैक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो जिस क्रॉप में हम यूज़ करते हैं वो है शुगर केन, जैसे कि गन्ना, ग्रेप्स, अंगूर की खेती, कॉटन और वेजिटेबल्स फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। इसमें जो यूज़ होता है वो कि ग्रेप्स में जैसे स्प्रेइंग के लिए यूज़ करते हैं, गन्ने में इंटरकल्चर ऑपरेशंस के लिए, और कॉटन और वेजिटेबल्स में इंटरकल्चर ऑपरेशंस के लिए मिनी ट्रैक्टर का इंडिया में यूज़ होता है। तो सर, कुबोटा ट्रैक्टर्स की तरफ से हमारे भारतीय किसानों के लिए क्या मिनी ट्रैक्टर्स में खास पेश किया गया है? जैसे कि कुबोटा हमारी जापनीज टेक्नोलॉजी है। हम कस्टमर्स की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको प्रॉपर ट्रैक्टर देने की कोशिश, प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी ज़रूरतें पूरी हों। तो हमने इंडियन फार्मर्स के लिए न्यू स्टार सीरीज का लॉन्च 2017 में किया था। उसमें हमारे 21 HP के दो मॉडल्स है। एक है A211N नैरो, दूसरा A211N OP, उसको हम मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। दूसरा आता है 24 HP का B2441 और चौथा आता है हमारा B2741 जो कि 27 HP में आता है। सर, पहले बात करते वक्त आपने बोला कि A211N जो मॉडल है उसमें दो वेरिएंट्स है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है एग्जैक्टली? ऑफकोर्स अगर हम बात करेंगे कि न्यू स्टार A211N नैरो की, तो हमारा वो जो ट्रैक्टर है वो सबसे नैरोएस्ट विड्थ में आता है। हम उसको संकरा ट्रैक्टर बोलते हैं, जो कि उसकी जो विड्थ है वो 2.98 फीट है। जो हमारा प्लांटेशन शुगर केन का या अदर क्रॉप्स का अगर 4 फीट का रहेगा तो उसमें वो ट्रैक्टर आराम से काम कर सकता है। बाकी जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं जो कि OP, A211N या 24 या 27 HP, वो आपके 5 फीट के प्लांटेशन में काम करते हैं क्योंकि उनकी विड्थ और टायर साइज बड़ी है। अच्छा। सो ये डिफरेंस हमारा इस मॉडल में आता है। तो सर, ये जो पूरी सीरीज है कुबोटा न्यू स्टार, तो इसके इंजन के बारे में या फिर हम कहें जापनीज टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं ट्रैक्टर में जो इंजन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो इंजन है न्यू स्टार सीरीज में वो जैपनीज टेक्नोलॉजी का ETVCS इंजन है जो कि डीजल 3 सिलेंडर आता है। सर, ये जो आप बोले ETVCS, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताइए क्योंकि हम भी जापनीज टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे। ETVCS मतलब इको 3 वर्टेक्स कम्बशन सिस्टम। इसका जो यूज़ है, जैसे कि हमारा हवा और डीजल इंजन में आता है तो वो 3 धाराओं में आता है। उसका कारण आपका हवा का और डीजल का मिक्सचर प्रॉपर हो जाएगा और जो ज्वलन बोलते हैं, जो कम्बशन बोलते हैं, वो प्रॉपर होने के कारण आपको बेहतरीन माइलेज और अच्छी पावर मिलेगी जो कि किसानों की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, आप समझ गए होंगे कि हर बार आप मुझे पूछते हो कि आपको एक ऐसा ट्रैक्टर लेना है जिसका माइलेज भी अच्छा हो और ताकत भी अच्छी हो। ये दोनों चीज़ें आपको कुबोटा ट्रैक्टर में मिल रही है। इसके साथ ही सर, हम एडिशनल पिस्टन में ग्रेफाइट कोटिंग देते हैं। अच्छा। और माइक्रोग्रो बेरिंग देते हैं जो कि किसानों को फायदेमंद रहती है। सर, ये तो मैंने पहली बार सुना है सर, इसके बारे में आप थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। जो ग्रेफाइट कोटिंग हमारे पिस्टन में दिया हुआ है बाहर की साइड में, वो एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट वर्क करता है। Okay. मतलब पिस्टन का जो मूवमेंट है इंजन में वो अप डाउन होता रहता है, सो उसके घर्षण बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये जो सॉलिड लुब्रिकेंट है वो घर्षण कम करता है, आपकी मेंटेनेंस कम करेगा और फ्यूल कंजम्पशन में भी हेल्प करेगा आपकी। और दूसरा जो आता है, जो मैंने बताया था कि माइक्रोग्रो बेरिंग्स, वो कनेक्टिंग रॉड के साथ आपका ऑयल का संचार होते रहेगा,
तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो अच्छा आएगा, तेल की बचत होगी और लॉन्ग लाइफ रहेगा इंजन आपका, लो मेंटेनेंस रहेगा। तो किसान भाइयों, आज हमें रात पता चल गया है कि कुबोटा ट्रैक्टर्स में वाइब्रेशंस क्यों कम होते हैं। सर, इंजन के साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम भी उतना ही ज़रूरी होता है, तो आप हमें इस ट्रैक्टर के गियर स्पीड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही आपने बात बोली, क्योंकि ट्रांसमिशन एक इम्पॉर्टेंट रहता है ट्रैक्टर्स में। सो हमने छोटे ट्रैक्टर में हमारे न्योस्टार सीरीज में 9+3 मतलब 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर दिए हुए हैं, जो कि लो, मीडियम और हाई रेंज में आते हैं। किसान भाइयों, आप हमेशा डिमांड करते हो कि 40 या 50 हॉर्स पावर में लो, मीडियम, हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन हमें कुबोटा के मिनी ट्रैक्टर्स में भी लो, मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो सर, इससे किसान भाइयों को एग्जैक्टली कैसे फ़ायदा होगा काम करते वक्त? अगर हम खेत में काम कर रहे हैं, किसान हमारे काम कर रहे हैं खेत में, तो हर एक प्रकार के इम्प्लीमेंट्स के यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे रोटावेटर्स है, हमारे कल्टीवेटर्स है, स्प्रेयर्स है या अदर इम्प्लीमेंट्स है, तो हर इम्प्लीमेंट के चलाने के लिए डिफरेंट स्पीड्स यूज़ होता है। तो हमारे इसमें गियर 12 टोटल 9+3 होने के कारण आप जो अप्रोप्रिएट ग्रेड चाहिए उसको सिलेक्ट करके उस ट्रैक्टर को उस इम्प्लीमेंट के साथ आसानी से चला सकते हैं, ताकि आपके टायर का स्लिपेज भी कम रहेगा और आपको चलाने में भी आसानी होगी और उसमें बेहतरीन आपको माइलेज भी मिलेगा। तो ये जो गियर बॉक्स है आपको उसके लिए हेल्प करता है। तो किसान भाइयों, इसका मतलब यही है कि ज़्यादा गियर्स होने की वजह से आप अपने मन चाहे गियर में ट्रैक्टर चलाकर डीजल की भी बचत कर सकते हो और आपको जिस प्रकार का परफॉर्मेंस चाहिए इम्प्लीमेंट से वो भी आप निकाल सकते हो। जरूर सर, जरूर। किसान भाइयों, आज हमने बात की कुबोटा न्यू स्टार सीरीज के इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रैक्टर टॉक के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुबोटा न्यू स्टार के और फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे खेती गाड़ी चैनल को, ताकि आप हमारे हर एपिसोड को देख सके। साथ ही अगर आप कुबोटा न्यू स्टार ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। वहां पर जाकर आप अपने मनपसंद कुबोटा ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।